नई दिल्ली 50वां ड्यू भी टॉप 100 में शामिल। ईपीएफओ में स्टेनो और एसएसए भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। सीआरपीएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए करें आवेदन। यह है इस न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें। स्वागत करता हूं आपका विद्यालय के न्यूज बुलेटिन पर। विद्यालय आपको शिक्षा जगत से अपडेट रखता है, बस आप विद्यालय को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मैं हूं कुमार विजेंद्र। अब खबरें विस्तार से। आईआईटी दिल्ली 50वां ड्यू भी टॉप 100 में शामिल। दुनिया भर में 1594 विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा चुने गए 15,700 से अधिक कोर्सेज के प्रदर्शन के आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग के टॉप 50 संस्थानों की लिस्ट में है। वहीं आईआईटी बॉम्बे गणित में 92वां स्थान, आईआईटी कानपुर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में 87वां और कंप्यूटर साइंस में 96वां, आईआईटी खड़गपुर कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए 94वां और आईआईटी मद्रास गणित के लिए 98वां स्थान पर है। एकेडमिक रेपुटेशन और एच इंडेक्स जैसे विभिन्न मानकों पर आधारित क्यूएस रैंकिंग रिसर्च पब्लिकेशन के रैंकिंग के इस संस्करण में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले भारतीय विश्वविद्यालयों में दिल्ली विश्वविद्यालय 27 एंट्री, आईआईटी बॉम्बे 25 एंट्री और आईआईटी खड़गपुर 23 एंट्री रहे हैं। ईपीएफओ में स्टेनो और एसएसए भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। भारत सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में 2800 से अधिक सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनटीए द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 12वीं पास के लिए ग्रुप सी के अंतर्गत स्टेनोग्राफर के 185 पदों और स्नातक के लिए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी एसएसए के 2674 पदों समेत कुल 2859 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू होकर 26 अप्रैल 2023 तक चलेगी। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार recruitment.nta.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन से पहले भर्ती अधिसूचना अवश्य पढ़ें। सीआरपीएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए करें आवेदन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ द्वारा विभिन्न राज्यों में 9,712 पदों की बंपर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की है। उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से कम और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभिन्न आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। दोस्तों, यह तो थी आज के न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें और विस्तार। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या विद्या लाइव की ऑफिशियल ईमेल आईडी info@vidyalive.com पर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।